हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ड्राइंग की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं 8th में थी, मेरे पास जब तक था ड्राइंग का सब्जेक्ट, उसके बाद 9th और 10th में ड्राइंग से बिल्कुल नाता टूटा हुआ था। कोई रिश्ता नहीं था ड्राइंग सब्जेक्ट से मेरा। सिर्फ 8th तक मैंने ड्राइंग करी और वो भी कैसी ड्राइंग, मतलब थोड़ी शेडिंग सीखी और उसका मतलब शेडिंग वगैरह, या फिर ऐसे नॉर्मल बच्चे बनाते नहीं है पहाड़ बना दिए, नदी वो ड्राइंग्स करती थी 8th क्लास तक। उसके बाद मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट कभी चूज़ भी नहीं किया, ना ही मेरे को था इंटरेस्ट इतना उस टाइम। तो 10th मैंने कंप्लीट करी, जब 10th की छुट्टियां पड़ गई लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सब बेले बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो सब मैंने सोचा कि नहीं चलो ड्राइंग शुरू करते हैं नॉर्मल टाइम पास के लिए। तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे ड्राइंग बनानी स्टार्ट करी। पहले मैंने थोड़ा पेंसिल से बनाई, उस टाइम के लिए वो ड्राइंग्स मतलब वाव, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वाव थी उस टाइम के लिए। क्योंकि जिसको मैं दिखा रही थी वो लोग भी कह रही थी हाँ अच्छा है। फिर मैंने ऑयल पेस्टल्स की बनानी शुरू, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट चढ़ गया कि मैं और ड्राइंग्स करूँ। तो मैंने ऑयल पेस्टल्स की बनानी शुरू कर दी, अच्छे उसके ऑयल पेस्टल्स खरीद लिए, ड्राइंग शुरू कर दी। ऑयल पेस्टल्स की मैं अच्छी बनाने लग गई, थोड़ा हाथ खुल गया ऑयल पेस्टल से, तो बनाती है उसको। उसके बाद मेरा मंडाला में इंटरेस्ट चढ़ा, मैंने मंडाला जब देखी और जब एक्सप्लोर की तो मेरा मन हुआ कि मैं मंडाला भी बनाऊँ। तो मैं मंडाला स्टार्ट कर दी बनानी, कम से कम मैक्स मैंने 5 मंडाला आर्ट्स तो बनाई होंगी आज तक। तो मंडाला आर्ट्स बनाई, उसके बाद मैंने पेंसिल दोबारा से स्टार्ट करी, क्योंकि अब मेरे को ये हुआ कि यार मैंने बनानी शुरू कर दी है तो क्यों ना एक सीरियस स्टेज से ले जाए। तो मैंने अच्छे से बनाना शुरू किया, दोबारा से मेरी पेंसिल्स पे आई, मैंने एक एक चीज़ बनानी शुरू करी, लाइक आई, लिप्स, नोज, हेयर, पूरी बॉडी बनने की, सब कुछ धीरे धीरे बनाना शुरू करा और अभी भी कर रही हूँ। अभी इतना नहीं सीखी, धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो मतलब आप ये देखो कि मेरे 8th तक ड्राइंग का सब्जेक्ट था, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें हम कभी लैंडस्केप बना देते थे कलर से, या फिर स्टेंसिल सीखा है हमने वो बना देते थे। उसके बाद 9th में मैंने कभी ड्राइंग चूज़ नहीं किया, इवन कि एक बार छुई तक नहीं 9th में गए, बिल्कुल नहीं छुई ड्राइंग। मैं सीरियसली जा रही भूल चुकी थी, 10th में मैंने बिल्कुल नहीं छुई। आफ्टर 10th और जब लॉकडाउन हुआ, जब क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोगों का, सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोगों ने अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकाला, मतलब नॉट इन ड्राइंग सब में, मतलब कोई कुछ करता है उसको पता नहीं वो कर रहा है। जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जो अब ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोगों का मतलब जो वो कर नहीं करते थे, बट उनको पता चला कि हम ये कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ अगर मैं सीखती रहूँ तो इसलिए मैंने ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से बनानी शुरू कर दी। सो ऐसे जो टाइम है, जिस टाइम सारे घर पे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है बट स्टिल लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं और करना भी चाहिए, इस टाइम पे घर से बाहर निकलना ही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अगर ये लॉकडाउन ना होता, घर पे ना रहते हम सब लोग, तो मुझे आइडिया, मैं कुछ भी जान नहीं पाती कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। ये मैं कभी ड्राइंग करती ही नहीं कुछ और, मतलब फिर तो छुट्टियों में घूमना फिरना ही था मैं जाके, बट लॉकडाउन हुआ, बोर हो रहे थे, मैंने ड्राइंग शुरू करी। तो मुझे मतलब मैंने कभी बोलती मार्च में हो रही, बट मैंने ड्राइंग शुरू हुई थी अप्रैल में। अप्रैल से जुलाई आ गया और मैं उस लेवल तक पहुँची जिस लेवल तक मुझे लगता नहीं था कि मैं इस लेवल तक की ड्राइंग कर पाऊँगी, इतने लेवल पर तक तो मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। आप पता लगा सकते कि आपके अंदर ऐसे क्या है जो आपको अभी तक पता ही नहीं। ऐसे मैं बहुत गोलमाल करी, बट स्टिल समझ तो रही होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आप कुछ कर सकते हो अलग सा जो आपने अभी तक नहीं किया या आपको टाइम नहीं मिला उसको करने के लिए। तो इस पीरियड में आप कर सकते हो जो टाइम मिला हुआ है, और मतलब जान सकते हो कि ऐसा क्या है आप लोगों के अंदर जो आपने ऐसे देखा, मतलब समझ में आना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बस हाँ, यही कि कुछ करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि टाइम मिला। अगर आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपके पास टाइम नहीं है, अब टाइम है, अब आप कर सकते। और मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी सी कॉफ़ी पी जाए, बनाते हैं। चलो गाइस, मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है,
और जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने पेंसिल स्केचेस बनाना शुरू करे हैं, तो मैंने दो स्केचेस बनाए हुए हैं, एक कपल का और एक सिंगल गर्ल का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाए हैं। एक तो है ये, कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, और सेकेंड वन है ये। कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो ड्राइंग की जर्नी तो मेरी ऐसे चलती रहेगी, और मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं पेंसिल स्केचेस पे ज़्यादा फोकस करूँ, उन्हें और अच्छा बनाने की ट्राई करूँ, इसको और अच्छा ट्राई करूँ बनाने की। तो और जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि डांस भी करूँगी, तो इन द नेक्स्ट वीक मैं एक डांस ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप कमेंट करके ये बता सकते कि मैं कौन से गाने पर कवर करूँ। और जो ये पेंसिल स्केचेस मैं बनाती हूँ, डेली मैं एक पेंसिल स्केच बनाती हूँ, वीडियो में भी आपको दिखा दिया करूँगी। वैसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ही लोगे, और अभी तक नहीं करा तो जाके कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी मैं डेली जब भी एक ड्राइंग बनाऊँगी उसी टाइम पोस्ट कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।